इस वर्ष की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक दुर्घटना या साजिश गोधरा पिछले सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने खास तौर पर उन लोगों में खासी दिलचस्पी जगाई है जो राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं। इस मांग के जवाब में फिल्म निर्माताओं ने एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रवादी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय समेत अन्य लोग शामिल थे। यह स्क्रीनिंग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विशेष अनुरोध पर आयोजित की गई। फिल्म निर्माताओं ने पहले भी देश की प्रमुख हस्तियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की है। उल्लेखनीय है कि गोधरा और अहमदाबाद में भी स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी और खासतौर पर साबरमती एक्सप्रेस की घटना में अपनी जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिवारों के लिए। फिल्म ने कई दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया है, जिनमें से कुछ स्क्रीनिंग के दौरान भावुक भी दिखे। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा है। सिनेमाघरों में अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए दर्शक गोधरा मामले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं। यह फिल्म मामले की जटिलताओं और छिपे हुए पहलुओं पर प्रकाश डालती है और उन घटनाओं पर प्रकाश डालती है जो लगभग 3 दशकों से अस्पष्ट बनी हुई है। इस फिल्म में देखने के बाद कुछ कहने लायक बचता नहीं है, ये लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो इस देश के आम आदमी कर रहे हैं। कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरी होते हुए इस देश में जितने भी सनातनी हिंदुओं के खिलाफ इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने, जिहादियों ने, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते, जो 1400 साल पुरानी रेगिस्तानी संस्कृति को मानते हैं, उन्होंने जितने भी जघन्य अपराध किए हैं उन पर अलग अलग लोग फिल्म बना रहे हैं। बहुत आम और साधारण लोग फिल्म बना रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और क्या वजह है कि आज एक साधारण से बिना नाम जाने माने लोगों की फिल्में देखने के लिए लोग पूरे हॉल में आते हैं और बड़ी क्लास हमारे यहाँ आती है, यही सबसे बड़ा बदलाव है। और दुनिया में किसी भी झूठ को एक लंबे समय तक नहीं आप छुपा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरे दुनिया में नहीं रह सकता, ऐसे तमाम लोगों के बारे में आज प्रतिकार हो रहा है। वो फ्रांस में भी हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, वो USA में भी हो रहा है, लेकिन भारत की भूमि इस्लामिक जिहाद से कई सौ सालों से लहूलहान है। लेकिन भारत के सनातनी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो पहली बार इसका प्रतिकार कर रहे हैं, अभी शब्दों से कर रहे हैं, अभी मर्यादा में रह के कर रहे हैं। समाज को, सरकारों को, संगठनों को ये समाज में आना चाहिए कि सनातनियों का धैर्य न टूटे, और जब ये धैर्य टूटेगा तो पता नहीं कितनी गोधरा बनाने लोगों को पड़ेंगे और कितनी केरला स्टोरी बनानी पड़ेंगी। इस फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम जो एक बहुत साधारण से लोग हैं, मैंने सुना है 15-16 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। मैं हर सनातनी से उम्मीद करता हूं कि वो सच जानने के लिए जाए, जिस सच को कभी बनर्जी कमीशन ने, कभी लालू के रेल मंत्रालय के अंदर आने वाले कमीशन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के तहत इसकी रिपोर्ट को टेम्पर किया, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता चलता है क्या हकीकत है। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे लोगों को जगह दीजिए, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मदद कीजिए, उनकी फिल्मों को देखिए, ताकि और बहुत सारे जघन्य अपराध जो इस देश में हुए हैं उनको ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत हो। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जो सत्य घटना पे बनती है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अभी हमारा 5वां दिन है आज, लेकिन अभी तक कोई इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि हमने उसमें कोई मसाला नहीं डाला ना इसके लिए। जी हाँ, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी इनके डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का, जो इतना बड़ा हिम्मत किया सच को सामना लाने का। सबसे बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड भी पास नहीं करता है ऐसी पिक्चरों को, और हमेशा जो खराब संस्कृति को हमारी तोड़ रही हैं वैसी पिक्चरों को ले आने में हमेशा सेंसर बोर्ड आगे होता है, लेकिन जो सच्चाई है आज की डेट में त्राही माम हो गया है पूरे विश्व में मुसलमानों के कारण। वो जिस तरह से इसमें इन्होंने बिल्कुल सच्चाई दिखाया है कि पेट्रोल बम से लेकर पत्थरबाजी पूरी दुनिया में चल रही है, पर कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है। गोधरा जैसी पिक्चर पहली बार आई है जो समाज को ये आईना दिखाया है कि ये एक सच्चाई है मुसलमानों की। इतना हिम्मत करके इन्होंने इस पिक्चर को लाया है, इसका मैं बहुत बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ आपका। मैं ये फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट करूँगी कि पब्लिक पसंद करेगी। जो सच्चाई लोग नहीं जानते हैं वो सच्चाई लोग जानेंगे, लेकिन शायद लोग इस फिल्म को देखना नहीं चाह रहे हैं, मैं नहीं पसंद कर रहे हैं, बिकॉज 19 तारीख से मेरी फिल्म थिएटर में लग चुकी है, सिनेमाघरों में लगी है, लेकिन कोई भी इंसान जाकर देख नहीं रहा है पिक्चर को।
और सोशल मीडिया पे हर जगह पे फिल्म है, मतलब लाइक कि सब जगह पे हमने प्रमोशन भी बहुत अच्छे से किया है। तो जिस तरीके से हम उत्साहित होकर के इस एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश किया हमने, है ना, एक प्रोड्यूसर ने अपनी सारी कमाई झोंक दी इस फिल्म में, डायरेक्टर ने अपनी 5 साल की रिसर्च, 5 साल से मेहनत किया इस फिल्म में, हम सभी एक्टरों ने काफ़ी अच्छे से इस फिल्म में काम किया और अपना 100% दिया, लेकिन ऑडियंस पसंद नहीं करी बिकॉज अब हम न्यू हैं, इसलिए ये तो गलत बात है ना। अगर आप हमें खड़े नहीं होने दे रहे हो, अगर आप लोग हमें आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर हम तो मर जाएंगे। कल फिर एक अक्षिता ही नहीं मरेगी, एक प्रोड्यूसर नहीं मरेगा, एक डायरेक्टर नहीं मरेगा, बल्कि आप लोगों के पास ना पछताने का मौका नहीं रहेगा फिर से। तो हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मतलब अच्छी नहीं बोल सकते, एक रियल स्टोरी हमने बनाई है जो सच्चाई दिखाया है जिसमें हमने। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार तो कम से कम पिक्चर को देखें, उस पेन को फील करें सर। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।